ज्ञान भवन में मौजूद आप सभी अधिकारीगण, देश के सुदूर कोनों में अनवरत देश सेवा में जुटे सिविल सेवा के अन्य अधिकारीगण, दिव्य और सज्जनों, आप सभी को सिविल सेवा दिवस की बहुत बहुत बधाई है, बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। एक बार फिर मुझे आप सभी के साथ बातचीत करने का अवसर मिला है। आज का ये अवसर कई प्रकार से महत्व का है, एप्रिसिएशन है, इवैल्यूएशन है, और सबसे बड़ी महत्व की बात है इंट्रोस्पेक्शन भी है। आज ये भी सोचने का दिन है कि बीते समय में जो संकल्प लिए गए, जो दिशा तय की, उस तरफ हम कितना आगे बढ़े, कितना सफल रहे, देश के सामान्य मानव की जिंदगी में हम कितना बदलाव ला पाए। साथियों, व्यक्ति हो या फिर व्यवस्था, कितना भी सक्षम, कितना भी प्रभावी क्यों ना हो, बेहतर काम के लिए निरंतर मोटिवेशन की आवश्यकता रहती है। एक प्रयास पुरस्कारों के माध्यम से किया जाता है, प्राइम मिनिस्टर्स अवार्ड इसी कड़ी में एक कोशिश है। आज कई अधिकारियों को अपने क्षेत्रों में अच्छे काम के लिए प्राइम मिनिस्टर्स अवार्ड दिए गए, जिनको ये सम्मान मिला उन सबको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। और भविष्य में इससे भी ज्यादा अच्छा करने के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं भी देता हूं। साथियों, इन अवार्ड्स का उद्देश्य मोटिवेशन तो है, लेकिन साथ साथ इसका विस्तार हो, व्यापकता हो, और ज्यादा कैसे हो, ये एक प्रकार से सरकार की प्राथमिकताओं को भी परिलक्षित करता है। और इस बार भी प्रायोरिटी प्रोग्राम्स और इनोवेशन की कैटेगरी में पुरस्कार की व्यवस्था रखी गई थी। प्रायोरिटी प्रोग्रेस में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, दीनदयाल उपाध्याय कौशल योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना और डिजिटल पेमेंट्स, इन प्रचार प्रसार के लिए भी अवार्ड दिए गए। जिन योजनाओं के लिए सम्मान दिया गया है, ये न्यू इंडिया के हमारे जो सपने हैं उसको पूरा करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये हमारी अर्थव्यवस्था और सामान्य जनजीवन के स्तर को ऊपर उठाने के लिए, उनकी ईज ऑफ लिविंग के लिए अहम है। वर्ल्ड बैंक हो या ग्लोबल रेटिंग एजेंसीज हो, वहां पर तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की चर्चा होती रहती है, लेकिन भारत जैसा देश ईज ऑफ डूइंग बिजनेस से कोई हासिल करके रुक नहीं सकता। हमारे लिए तो सामान्य मानव की जिंदगी में सरलता कैसे आए, सुगमता कैसे आए। और इस बात को हम भूल नहीं सकते हैं कि हमारी इतनी बड़ी फौज, इतने सालों का अनुभव, पीढ़ी दर पीढ़ी लोग आए, कुछ न कुछ अच्छा करके गए, लेकिन इसके बावजूद भी एक सामान्य मानवी को सरकार के साथ
हर पल जद्दोजहद रहती है, वो जूझता रहता है, सरकार में भी जगह खोजता रहता है, अपने हक का पाने के लिए वो तड़पता रहता है। और ये सबसे बड़ी रुकावट है ईज ऑफ लाइफ के बीच में। अगर हम इतना सा कर लें उसके हक के लिए उसको मांगना न पड़े, मैं समझता हूं 125 करोड़ देशवासियों की जिंदगी में जो बदलाव आएगा उसको देश को बदलने में समय नहीं लगेगा जी, वो बदल देंगे, देश को ही बदल देंगे, हम तो देखते रह जाएंगे बदल जाएगा देश। उस शक्ति का हम एहसास करें, हम अनुभव करें, और ये सारी व्यवस्था, ये तामझाम, ये कानून, ये नियम, ये व्यवस्थाएं अगर उस इंसान के केंद्र में रख करके हम करते हैं तो न जाने जिंदगी कैसे बदल पाएगी। और हमें भी अपनी आंखों के सामने जब चीजें बदलती देखते हैं तो बहुत संतोष मिलता है। परिवार में भी बेटा अपने आंखों के सामने जब बड़ा होता है तो मां को भी ध्यान में नहीं आता है वो कल कितना था और आज कितना हो गया, लेकिन अगर 2-3 साल कहीं भाग गया है और वहां से जब आता है तो मां भी देखती रह जाती, अरे तू तो इतना सा गया था, इतना बड़ा बन के आ गया, उसके मन को एक नया संतोष मिल जाता। और मुझे बताया गया है कि इस वर्ष इन पुरस्कारों में जो आवेदन आए, यहां पर बैठे हुए तो लोग बहुत प्रसन्न हैं, लेकिन मुझे प्रसन्न होने में बहुत मुसीबत रहती है। अच्छा ही है क्या आज भी मेरे देश में ऐसे डिस्ट्रिक्ट हो सकते हैं, ऐसे अफसर हो सकते हैं कि जिनका मन ही ना करे कि मैं भी इस स्पर्धा में शरीक हो जाऊं, मैं भी कोशिश करूं। मैं समझता हूं जो आए हैं उनका स्वागत है, लेकिन जो नहीं आए हैं उनके लिए मुझे चिंता सता रही है। इसका मतलब हुआ कि उनकी जिंदगी में ठहराव आ गया है, भीतर की ऊर्जा समाप्त हो चुकी है, और ये जिंदगी नहीं हो सकती। जीवन के आखिरी पल तक नया करने का अगर इरादा नहीं, उमंग नहीं, उत्साह नहीं, कोशिश नहीं, तो फिर उससे बड़ा जीवन का अंतकाल नहीं हो सकता। और मैं नहीं मानता हूं कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कोई बहुत बड़ी आयु में और बहुत मुसीबतों में फंसे हुए लोग हैं, मैं नहीं मानता, ऊर्जा से भरे हुए लोग होते हैं, कुछ कर दिखाने के एक हौसले को लेकर गए। तो मैं चाहूंगा कि अब हम ये भी कर सकते हैं कि कोई ये भी कहे कि लिखे मुझे इस बार इस साल कुछ कहने को करने योग्य मेरे पास नहीं है, क्षमा करें, बस इतना कर दे। कभी तो इसको पता ही नहीं होता है कि स्पर्धा से हट चुका है। और मैं ये चाहूंगा कि इस बार जो आपके पास आए हैं उसमें जो आखिरी 25 आए हैं उनको जरा खोजा जाए, उनको एक बार बुलाया जाए, उनकी मुसीबतें समझी जाए। मैं किसी प्रति एक्शन के पक्ष का व्यक्ति नहीं हूं, उनको हम समझे क्या कठिनाई है, क्षेत्र विशेष की कठिनाई है, उसके परिवार में कोई समस्या है, कुछ तो होगा। मैं नहीं मानता हूं मेरा साथी ऐसा हो सकता है यार कर लो चलने दो जिंदगी गुजारा, ऐसा नहीं हो सकता है, वो मेरा साथी हो ही नहीं सकता, वो उसके दिल में कुछ न कुछ तो ऊर्जा पड़ी होगी। लेकिन हम में से कोई फिर से एक बार जो उस पर राख जम गई है
उसमें फिर से एक बार चेतन मन करने का प्रयास करें। आप देखिए वो 25 जो इस बार पीछे हैं, मैं विश्वास से कहता हूं अगर उनको मौका मिलेगा तो शायद पहले 25 में वही होगी अगली बार। आखिरकार सफलता के अंदर योजनाओं का जितना महत्व है उससे ज्यादा मानवीय स्पर्श का है, और ये मानवीय स्पर्श ही है जो टीम स्पिरिट को पैदा करता है, ये मानवीय स्पर्श ही है जो सपनों को साकार करने के लिए खपड़े के इरादों को मजबूत करता है। और इसलिए हमारी कोशिश जो अच्छे हैं उनको पुरस्कार करने का अवसर मिले, लेकिन जो कठिन हैं उनको अधिक प्यार देकर के, अधिक प्रोत्साहन देकर के, एक अच्छे माहौल में यहां बुला करके आओ, हम भी और मैं भी समय दूंगा, क्योंकि कोई निकम्मा नहीं है जी, कोई बेकार नहीं है, हर कोई एक ऊर्जा लेकर के आया है। आवश्यकता है कि हम ऊर्जा को, कभी कभी हमने देखा होगा कि घर में एकांत बिजली का बल्ब चलता नहीं है तो सीधा से सोच यही हुए तक नहीं ये तो फ्यूज हो गया है, ये लट्टू बेकार है। लेकिन दूसरा समझदार होता कि ठहरो जगह कहीं डिस्कनेक्ट तो नहीं हो गया, तो वो प्लग को ठीक करता है और फिर वो लट्टू काम कर जाता है। कहीं कहीं वो किनारे पर बैठा हुआ हमारा व्यक्ति हमसे डिस्कनेक्ट तो नहीं हो गया है। और एक बार आप देख लीजिए, थोड़ा सा कनेक्ट कर दीजिए, फिर वो बिजली की तरह चमकने लग जाएगा और वो भी रोशनी देना शुरू कर देगा जो औरों की जिंदगी को बदलने के लिए काबिल होती है। आज मुझे यहां दो पुस्तकों का लोकार्पण करने का भी एक मौका मिला है। प्राइम मिनिस्टर अवार्ड जो प्राप्त किए उनकी सारी उसमें बारीकियां हैं किसे, और दूसरा किताब है एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट के संबंध में। अब तो मैं समझता हूं बहुत बड़ी मात्रा में यहां से हमारे अधिकारी डिस्ट्रिक्ट में जा रहे हैं, एक प्रकार से बैक टू बेसिक का मूवमेंट चल रहा है। उसने भी सोचा नहीं होगा कोई ऐसा भी प्रधानमंत्री आएगा यार, फिर से उसी काम में रगड़ेगा। लेकिन मैं देख रहा हूं कि करीब करीब 1000 अफसर दूर सुदूर डिस्ट्रिक्ट में जाएं और जो उस राज्य की एवरेज में भी पीछे है, और कोई ये 1000 लोग आगे आए हैं वो कोई हुक्म से नहीं आए, अंत प्रेरणा से आए। ये अंत प्रेरणा ही है जो मुझे उस एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट को लीडिंग रोल में देख रही है। कि आप देखिए अगर तीन साल निर्धारित लक्ष्य को लेकर के टाइम फ्रेम में उस काम को करेंगे तो ये 115 डिस्ट्रिक्ट राज्य के ड्राइविंग फोर्स बन जाएंगे, देश के ड्राइविंग फोर्स बन जाएगी, ये ताकत उस पर पड़ी है। और हर किसी को लगता है कि जितने पैरामीटर में हमको, क्योंकि अनुभव यह आता है कि व्यवस्था में कुछ डिस्ट्रिक्ट होते हैं पुश करते हैं, हमारे आंकड़े वाकड़े ठीक हो जाते हैं तो जब भी पेश करना होता तो हो जाता है, हमने 100 का टारगेट किया था, 80 अचीव कर लिया, लेकिन 80 एक ही कोने में कर लिया है। कभी हम, अब तो साइकिल का जमाना नहीं रहा, लेकिन पहले के जमाने में साइकिल में जब हवा भरने जाते थे तो फिर वो एक मीटर रहता था, नापते थे कि कितने पॉइंट हवा उसमें भरी, तो उसके चलता भी अब साइकिल चलेगी। लेकिन कभी कभार साइकिल की ट्यूब में किसी एक तरफ गुब्बारा हो जाता था, अब वो जो मीटर था वो बराबर दिखाता था कि हाँ जितने पॉइंट हवा जानी चाहिए ट्यूब में गई है, मीटर ठीक है, साइकिल चलेगी नहीं चलेगी,
क्योंकि एक तरफ वो गुब्बारा हो गया है, बाकी जो खाली पड़ी है वो गुब्बारा ही रुकावट का कारण बन जाता है। कभी कभी कुछ राज्यों में एकांत दो डिस्ट्रिक्ट इतना अच्छा कर लेते हैं कि आंकड़ों में तो राज्य बहुत अच्छा लगता है, लेकिन पूरे विकास की यात्रा के लिए वही एक रुकावट बन जाता है। हमारी कोशिश है 115 डिस्ट्रिक्ट में समान रूप से विकास की मात्रा को बढ़ाते चले, आप देखिए परिणाम तेज आएंगे। एक सबसे बड़ा मनोवैज्ञानिक प्रभाव पैदा होता है, और मनोवैज्ञानिक प्रभाव पैदा होता है कि आपने देखा होगा घर में भी तीन चार बच्चे हैं, एक आध अच्छा करता है तो माँ बाप का हमेशा उस पर ध्यान देता है, कोई मेहमान आ जाएंगे तो उसी को पेश करते थे कि इस बार 10वां में इतना मार्क्स आया, ये 12th में गया बहुत अच्छा है, ये तो डॉक्टर बनेगा, और दो जो है उसको क्या, अरे तू बाहर मत खेल, अभी बैठा कमरे पर, और पूछते थे नहीं तो वो खेल रहा, खेलने के लिए गया है। अब हमें तो खुशी हो जाती है, माँ बाप को अच्छे बेटे को दिखा दिया, दुनिया को मैसेज चला गया, लेकिन उन दो बच्चों के मन पर इतनी बीतती है, वो निराशा की गर्त में हमारे ही प्रयासों से हम धकेलते चले जाते हैं, फिर वो खुद में उठने का हौसला खो देता है। हमारे यहां भी इन डिस्ट्रिक्ट का वही हाल हुआ है कि जो अच्छे हैं उनको तो बहुत बार ले आए, प्राइम मिनिस्टर अवार्ड तक खींच करके ले आए, लेकिन जो कठिनाई है उनकी कोई ना कोई स्थानीय अवस्थाएं होगी, कुछ ना कुछ कारण होंगे। अब वो उनको लगता है छोड़ो यार, हम तो कहीं गिनती में ही नहीं है, हमारा तो कोई हिसाब किताब है नहीं, चलो यार 2-3 साल यहां लगे हैं, ड्यूटी निकाल देंगे यार। और वो भी फिर खोजता रहता है कि कोई अच्छे कुर्ते वाले नेताजी कौन है, जरा ट्रांसफर करवा दो, इतना लंबा कुर्ता उतनी लंबी भी पहुंच। और इसलिए मैं समझता हूं कि हम लोगों के लिए एक बड़ी आवश्यकता है कि हम सिर्फ आंकड़ों की पूर्ति और उस पर हमारा ग्राफिक सिस्टम में ऊंचाई के बजाय सफलता के लिए एक स्ट्रेटेजिक सोच बहुत आवश्यक होती है। अगर स्ट्रेटेजिक थिंकिंग होता है तो फिर प्रॉपर प्लानिंग के लिए भी मन उसके साथ अपने आप जुड़ता रहता है, एक्सपीरियंस उसमें रोल प्ले करता है। और आपने देखा होगा कि जो लोग सफल हो रहे हैं वे जो डिटेलिंग करने की आदत करते हैं वही सफल होते हैं। कभी कभार औरों को लगता है यार ये कोई आपका काम है कि इतना डिटेल कहां देखते हो, उसको हर बार डिटेल में नहीं जाना पड़ता है, कुछ चीजों में अगर डिटेलिंग वो कर लेता है तो अपने टीम को भी आदत लग जाती है और वो एक कैरेक्टर बन जाता है, एक स्वभाव बन जाता है, एक संस्कार बन जाते हैं। और आप उसके बाद आप देखिए कि आपको बार बार इम्प्लीमेंटेशन के लिए देखना नहीं पड़ता, वो अपने आप चलता रहता है। आपने किसी माँ को सब्जी में नमक कितना डाला वो सोनी की तरह तराजू करके देखा है क्या कि सोनार की तरह घर में तराजू लगा है, बड़ा इलेक्ट्रॉनिक तराजू लगा है और फिर नमक को नाप ले फिर डाल देता तो नहीं, वो तो आंख बंद करके डाल देती ठीक हो जाता है, क्योंकि किसी समय डिटेलिंग कर लिया था, अब प्रैक्टिस हो गई है, आराम से इस चीज को कर लेती है। हम हमारी व्यवस्था में इस स्वभाव को अगर लाते हैं तो हम अपने आप में मैं समझता हूं कि बहुत बड़ा परिणाम ला सकते हैं। इन एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट को हर पैरामीटर हमने ऊपर लाना है, एक काम तो चीज में अच्छा कर करके दिखावा नहीं करना है, हर प्रकार से हमने इन पैरामीटर्स को बदलना है। लेकिन अगर सरकारी व्यवस्था से हुआ होता तो बहुत पहले ही हो गया होता, ऐसा तो नहीं है कि ऐसे डिस्ट्रिक्ट में कोई अवसर नहीं आए होंगे, आज भी हो सकता है जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट है वहीं पर जिसने अपनी जीवन की शुरुआत की होगी वो शायद आज उस राज्य का चीफ सेक्रेटरी बनकर के बैठा होगा, मतलब अवसर तो होनहार था ही था, अवसर तो शानदार था ही था, कोई शायद यहां दिल्ली में आकर के बहुत ही अच्छे डिपार्टमेंट का सेक्रेटरी बना हुआ होगा, हो सकता है कोई ऐसा भी अफसर होगा कि जिसकी चारों तरफ वाहवाही सुनने को मिलती होगी और वो वहीं से आया होगा जो आज कहीं पिछड़े हुए डिस्ट्रिक्ट में जिंदगी के महत्वपूर्ण 25-27-30 साल की उम्र में
तीन साल वहां बिता के आया होगा, इसका मतलब ये हुआ कि वहां कुछ योग्यता का ही अभाव होगा, ऐसा नहीं होगा, सब कुछ होगा। भारत जैसे देश में सफलता के लिए हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था ये कोई 5 साल के कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम नहीं है जी। हमारी डेमोक्रेटिक व्यवस्था यानी हम और जनता के बीच का नाता है, ये जो सोच है वो ये सबसे बड़ी रुकावट है। और इसलिए जन भागीदारी भारत जैसे देश की सफलता का आधार है, पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी। हमने देखा है, आप में से सब लोगों ने अफसर के नाते जब डिस्ट्रिक्ट लेवल पे काम किया हुआ, हम नेचुरल कैलेमिटीज के समय कल्पना बाहर का क्वांटम ऑफ वर्क जिसको कहते हैं, हम बड़ी आसानी से कर लेते हैं। ये व्यवस्था तो वही है, लेकिन होता इसलिए है कि नेचुरल कैलेमिटी के समय समाज पूरी तरह हमारे साथ जुड़ जाता है, हर कोई हाथ बटाता है और उसके कारण हम संकट से बाहर निकल आते हैं। और मुझे लगता है कि हम देश को आगे ले जाने में जन भागीदारी का महात्म्य कैसे बढ़ाएं, उसके महत्व को कैसे हम स्वीकार करें। दुर्भाग्य से माना गया है कि यह काम इलेक्टेड बॉडी का है, पॉलिटिकल लीडर का है। ये हमारी सोच की सबसे बड़ी गलती है। उनको जो करना है वो करते रहेंगे, लेकिन शासन व्यवस्था में हम वो लोग हैं कि जिसके करने से सामान्य मानवी को कभी ये नहीं होता है कि आए कुछ अपने लिए कर रहा है। मैं कुछ भी करूंगा तो पहले यार 2019 आ रहा है इसलिए मोदी जी आए हैं, तुरंत उसके दिमाग में और 24/7 का तो यही काम आता है, वो इंजेक्ट करते ही रहते हैं। आप जाएंगे तो ऐसा नहीं लगता है, आप जाएंगे तो कुछ लगता है, नहीं नहीं साहब आए हैं इतना मेहनत कर रहे हैं जरूर यार कुछ मतलब की बात होगी, वो तुरंत आपके साथ जुड़ता है। और इसलिए आज हमारी जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम के अलग अलग स्तर के लोग हैं उन्होंने लीडरशिप देने की दिशा में आगे आना चाहिए। एक नया पहलू है जिस पर हमें सोचना चाहिए। आजादी के पहले एडमिनिस्ट्रेशन का काम अंग्रेज सल्तनत को सलामत रखना था, आजादी के बाद एडमिनिस्ट्रेटिव व्यवस्था से जुड़े हुए लोगों का काम जनता जनार्दन को आन बान शान आबाद करने का होता है। ये अगर सपना रहता है तो मैं मानता हूं जिस उम्मीदों को लेकर के चले हैं हम उन उम्मीदों को पूरा करते हैं। और इसलिए हम जिस कामों को लेकर के निकले, न्यू इंडिया का सपना, ये बात सही है। जब चंपारण सत्याग्रह महात्मा गांधी ने किया, जब आजादी के लिए बिगुल बजाया होगा तो कुछ दूसरे दिन सुबह आजादी मिल जाने वाली है ऐसा थोड़ा होगा, लेकिन चूंकि दूसरे दिन आजादी नहीं मिलने वाली है इसलिए गांधी जी को अपने मुंह पे ताला लगा के बैठा कि यार आजादी मत बोलो अभी मिलने वाली नहीं, लोग निराश हो जाए जी नहीं। समाज के सामान्य मानवीय के हृदय में आशा आकांक्षा अरमान सपना उम्मीदें, इसकी क्यूमुलेटिव इफेक्ट होती है जो उसको आगे चलने के लिए हमें सहज रूप से जोड़ देती है। अगर 2022 आजादी के 75 साल हो रहे हैं, इससे बड़ी प्रेरणा क्या होती है जी। हम पारिवारिक जीवन में भी देखते हैं, पता होता है कि भाई चलो मई महीने में बच्चे का जन्मदिन आने वाला है तो फरवरी मार्च से बच्चे में अच्छा इस जन्मदिन पे क्या करेंगे, समझदार माँ बाप का देखो इस बार तुम्हारे जन्मदिन बहुत बढ़िया मना है तुम एक काम करो इस महीने इतना कर दो, उसको भी लगता है हाँ हाँ मेरा जन्मदिन है तो मैं जरा ये कर लूँ। घर में शादी होने वाली है, लगता है यार बहुत साल हो गए घर तो चूना उना नहीं लगवाया रंग रोगन नहीं किया है चलो शादी है करवा लें। हर एक व्यक्ति के जीवन में एक 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 ऐसे मुकाम होते हैं, उन मुकामों के आधार पर ही गति निर्धारित हो जाती है।
2022 इससे बड़ा कोई मुकाम नहीं हो सकता है हमारे लिए कि देश के दीवानों ने देश की आजादी के लिए जिंदगी खपा दी थी, इससे बड़ी कोई प्रेरणा नहीं हो सकती है। आइए हम जिसको भी प्यार करते हैं उसका पुनः स्मरण करें और उसके जो सपने थे उसका स्मरण करें और स्मरण करें हम भी चल पड़े। 5 साल में हम बहुत कुछ देश को दे सकते हैं जी, बहुत कुछ दे सकते हैं। जिन्होंने आजादी के लिए जंग लड़ा होगा उन्होंने थोड़ा सोचा होगा चलो भाई देश की आजादी आ जाएगी मैं कुछ बन जाऊंगा, नहीं, उनको तो पता था जब आजादी आएगी तब तो हम पता नहीं कहां होंगे कहां नहीं होंगे, लेकिन वो अपने सपनों के लिए खपता रहा और वो खप गए तो हम उसको पाने के लिए सौभाग्यशाली भी बन गए। क्या हमारा भी तो आने वाली पीढ़ी के लिए कोई दायित्व होता है और इसलिए हमारी जो इस व्यवस्था है उसको लेकर के हमें आगे चलना चाहिए। ये भी बात हमको स्वीकार करनी होगी कि हमारा एक स्ट्रक्चर होगा, हमारी निर्णय प्रक्रियाएं होती होगी। मैं तो अनुभव किया हूं क्योंकि मुझे लंबे अरसे तक राज्य में काम करने का सौभाग्य मिला, एक प्रकार से आप ही लोगों के बीच में मैं पिछले 20 साल से पला बढ़ा हूं, आप ही लोगों के अनुभव से सीखता आया हूं क्योंकि आप ही के बीच में मैं रहा हूं, लेकिन मैंने यह अनुभव किया है कि यही पुराना स्ट्रक्चर होने के बावजूद भी अगर नवाचार नहीं होगा, इनोवेशन नहीं होगा, हमारी निर्णय प्रक्रियाओं में हम तेजी नहीं लाएंगे। और आज सद्भाग्य से टेक्नोलॉजी हमारी कमियों को पूरा कर सकती है, हमारी वो एडिशनल स्ट्रेंथ बन सकती है। हम चीजों का सरलीकरण करने के लिए टेक्नोलॉजी का भरसक उपयोग कर सकते हैं। क्या हम उन चीजों को स्वीकार करें? आपको पता होगा जब मैं नया नया आप सबके बीच में आया था तो मेरा बड़ा आग्रह था कि हम स्पेस टेक्नोलॉजी का उपयोग हमारी गवर्नेंस में कैसे करें, और मैंने ज्वाइंट सेक्रेटरी लेवल के अधिकारियों का अभ्यास और किया, फिर वीकेंड में लगातार उस प्रक्रिया को चलाए रखा। तो हमारे अफसरों को भी ध्यान में, ऐसा नहीं कि उनको टेक्नोलॉजी की समझ नहीं है, लेकिन उनको लगता है चलो भाई जो चलता है मैं कहां बदलाव करूंगा, कौन मानेगा मेरी बात को, तो वो बदलाव में आइसोलेशन में फील करता था और फिर इंस्टीट्यूशनलाइज नहीं करता। अब धीरे धीरे समझ आया भाई हाँ स्पेस टेक्नोलॉजी अल्टीमेटली तो गवर्नेंस के लिए काम की चीज है। जिसने भी दिमाग खपाया एक आध नौजवान को अपने साथ रख लिया उसको कह दिया जरा तुम माइंड अप्लाई करो प्लानिंग की डिटेलिंग के अंदर, उसको स्पेस टेक्नोलॉजी कितना बड़ा रोल प्ले कर रही है। ये सारी व्यवस्थाएं जो आज से 20-25 साल पहले जो अवसर थे उनके भाग्य में नहीं थी, हम लोगों के भाग्य में है। क्या हम उपलब्ध जितनी भी प्रकार की टेक्नोलॉजी है ये हमारी स्वयं की कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए, हमारे अपने सामर्थ्य के एक्सपांशन के लिए, हमारी रीच को और अधिक बढ़ाने के लिए क्या हम इसका उपयोग कर सकते हैं? क्या अगर उन चीजों को हम करते हैं तो मुझे विश्वास है कि हम इच्छित परिणाम को प्राप्त कर सकते हैं। और इसलिए समय की मांग है, जिस समय हम नारे सुन रहे थे 21वीं सदी आ रही है, 21वीं सदी आ रही है, अपने आपको अब भी तो उस समय शायद जूनियर अफसर रहे होंगे, राज्यों में काम करते होंगे, और उस समय एक बड़ा इंटरेस्टिंग कार्टून भी बड़ा फेमस हुआ था, एक सज्जन रेलवे प्लेटफॉर्म पर खड़े थे और दूर से ट्रेन आ रही थी, तो किसी ने उनको पकड़ा, अरे भाई तेरे को दौड़ने की जरूरत नहीं, वो तो आने ही वाली है, 21वीं सदी आने ही वाली, तुझे सामने से भागने की जरूरत नहीं है। 21वीं सदी के 2 दशक पूर्ण होने पर क्या हमने 21वीं सदी के अनुकूल हमारे निर्णय प्रक्रियाओं को, हमारी व्यवस्थाओं को हमने बदलाव करने की कोशिश की है? क्या आज आपके सामने बड़े विस्तार से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात की गई? अब माइंड लार्ड लोगों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ड्राइवरलेस कार पर ही गाड़ी अटक जाती है, दुनिया बहुत बदल चुकी है। हम उन चीजों से हो सकता है हम कर नहीं पाएंगे,
लेकिन ये भी एक शास्त्र है जो हमारे काम आ सकता है, उसके लिए एक्सपर्ट हम हायर करेंगे, रखेंगे, लेकिन हम व्यवस्थाओं की ओर अगर खुला मन नहीं रखेंगे तो क्या होंगे। और आज दुनिया में सबसे बड़ी चुनौती विकास के सामने सपनों को पूरा करने के लिए हम बदलती हुई टेक्नोलॉजी के साथ अगर कोप अप नहीं कर पाएंगे तो शायद हम बहुत पीछे रह जाएंगे। भारत के विषय तो दुनिया में सभी तो हैं कि भाई आईटी रिवॉल्यूशन में हमारा बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है, लेकिन हमारा दुर्भाग्य है कि हम उसी को लेकर के हम वाह बहुत हो गया बहुत हो गया। हम मूलभूत चीजें लेकर के बैठ गए, दुनिया ने उसी में से अपनी अपनी चीजें क्रिएट कर करके नया विश्व खड़ा कर दिया। हमें जो श्रेष्ठ है उसी के गीत गा करके बैठे रहने से काम चलने वाला नहीं है। हर पल शायद 200 साल में टेक्नोलॉजी ने मानव जात पर जितना प्रभाव पैदा नहीं किया होगा, उतना टेक्नोलॉजी ने गत 40 साल में प्रभाव पैदा किया है। और मैं मानता हूं कि सामान्य मानवीय के जीवन में, गवर्नेंस के जीवन में ये बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाला है। हम उन चीजों को लेकर के अगर कर सकते हैं तो हो सकता है हमारा काम तो आसान होगा ही होगा, दूरगामी सकारात्मक प्रभाव पैदा करने वाला होगा। किसी भी सरकार की सफलता के मूल में है, जब मैं कभी कहा था भाई मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस, कभी कभी ये सोचना चाहिए आपके इस अवार्ड में कि कौन डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट सरकार का, कि जो इस मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस को साकार कर रहा है। मैंने शायद पहले एक बार कहा था कहीं, मुझे पता नहीं किस फोरम में कहा होगा, चाहे छोटी मीटिंग में, शुरू शुरू में नया नया आया था तो बात कर रहा था, हिंदू माइथोलॉजी में कहते हैं कि चार धाम की यात्रा करो तो मोक्ष मिल जाता है, तो कहते हैं पता नहीं कहां है कहां नहीं मुझे तो मालूम नहीं, लेकिन सरकार में 32-32 यात्रा के बाद भी फाइल का मोक्ष नहीं होता है। क्या हम लोगों को नहीं लगता है कि इसके कुछ हम रास्ते, और मैं ये शॉर्टकट शब्द प्रयोग नहीं करता हूं क्योंकि आप अब तो शायद मैं आपको रेलवे में जाने का सौभाग्य नहीं मिलता होगा, लेकिन मेरी तो पटरी पर जिंदगी गई है तो मुझे मालूम है वहां पर लिखा रहता था शॉर्टकट विद कट यू शॉर्ट है, रेल के रेल वाले खास उपयोग करते उसको कि शॉर्टकट विद कट यू शॉर्ट, अगर कोई पटरी क्रॉस करके जाने में की जगह है तो वहां लिखा रहता है, और इसलिए मैं आपको शॉर्टकट नहीं कह रहा। लेकिन क्या हमें नहीं लगता है कि इतनी सारी चीजें, ये चीज यहां से जाकर के ही आएगी साहब, ये फाड़फूस कहां तक हम भी चलाते रहेंगे, हर फाइल को हर एक को थप्पा मारना ही चाहिए, जरूरी है क्या? क्या हम इन प्रक्रियाओं को सरल कर सकते, क्या उस पर जिसने अच्छे से काम किया और फुल प्रूफ बन सकता है, ऐसा नहीं प्रक्रिया सरल हो गई तो फुल प्रूफ नहीं होता है, लेकिन हमारी आदत छूटती नहीं, हम आदत बदल रही है, हम व्हाट्सएप का जमाना आ गया होगा, एसएमएस का जमाना आया होगा, हमने एसएमएस कर भी दिया होगा, घर पे चाहे शाम को मेहमान आने वाले हैं, दो लोग खाना खाने के लिए आने वाले हैं, दोपहर को 3 बजे एसएमएस कर दिया होगा, लेकिन 5 बजे फिर फोन करके पूछेंगे मैंने एसएमएस पढ़ा था। तो हम व्यवस्थाओं पर भरोसा नहीं कर रहे और इसलिए हम अतिरिक्त अतिरिक्त हमारी शक्ति खपा रहे हैं। ये सिविल सर्विस डे इस इंट्रोस्पेक्शन के लिए होना चाहिए कि दुनिया की तुलना में हम उसी दिशा में चल रहे हैं कि डेविएटेड है, दुनिया की तुलना में हम गति में बहुत पीछे हैं क्या, जो काम वो 2030 में कर लेंगे क्या हमको उस पर सोचते सोचते ही 2070 आ जाएगा क्या? आप कल्पना कर सकते हैं
जो हाल वो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट का है, कहीं ऐसा तो ना हो हमारे ही रहते हुए हम दुनिया की नजरों में अपने आप को वहां लाकर के खड़ा करते हैं। संभावनाओं से भरा हुआ देश, शक्ति सामर्थ्य से भरा हुआ देश, नई चीजों को स्वीकारने के स्वभाव का देश, बदलती हुई परिस्थितियों से मुकाबला करने की ताकत रखने वाला देश है। क्या हम उसके लिए अपने आप को सज्ज कर रहे हैं? क्या घड़ी की सुई मेरी जिंदगी को चला रही है कि सामान्य मानवी के सपने मुझे चला रहे हैं? अगर घड़ी की सुई मुझे चला रही है तो हर पहली तारीख को तनख्वाह आ जाता होगा, बैंक अकाउंट में जमा हो जाता होगा, जिंदगी वहीं अटक जाती है। लेकिन जो सामान्य मानवी के सपनों के साथ अगर मेरी जिंदगी के हर पल जुड़ जाती है तो उसके तो सपने तो साकार होंगे ही होंगे, लेकिन मेरी जिंदगी में पीढ़ी दर पीढ़ी संतोष का एक अनुभव करके मैं चला जाऊंगा, ये विश्वास मेरे भीतर अगर भरा हुआ है तो मैं समझता हूं कि मैं बहुत कुछ देश को दे सकता हूं। और इसलिए मैं आपसे आग्रह करता हूं, आप में से किसी के पास 2 साल होंगे, 1 साल होगा, 6 महीने होंगे, 5 साल होंगे, 10 साल होंगे, और दूर दूर जो टेक्नोलॉजी के माध्यम से मुझे नई पीढ़ी के मेरे नौजवान साथी सुन रहे हैं, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं जी, मैं आपका एक साथी द्वारा हूं। मैंने कभी दिमाग में मुझे अभी तक आया नहीं है कि वो पता नहीं पहले क्या क्या होता था, मैं उस दुनिया का नहीं हूं जी, मैं एक सामान्य मानवी आपका साथी हूं, आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर के काम करना चाहता हूं। जब मुझे मसूरी जाना था तो जो कार्यक्रम बन के आया था, जाएंगे भाषण झाड़ेंगे और वापस आएंगे, मैंने कहा जेल ही में जाऊंगा, उनके साथ गुजारा करूंगा अपना, मैं जरा देखूंगा तो सही कि जिन कम से कम हिंदुस्तान के 20% डिस्ट्रिक्ट को आने वाले 3 साल में जिनके हाथों में सुपुर्द होने वाले हैं, तो मैं जरा देखूं तो सही उनके भीतर वो कौन सी ऊर्जा है, वो कौन सा उनका सपना है, मैं जरा पाऊं तो अपने आप को तो समझूं। और मैं वहां ऊर्जावान होकर के वापिस आया था, क्योंकि हर नई नई ऊर्जा से भरा हुआ नौजवान इस रूप में काम करने की मेरी तैयारी है, और इसलिए आपके एक साथी के रूप में मैं काम करना चाहता हूं, हम मिल करके। और मैं चुनाव के लिए काम नहीं करता, और चिंता मत मुक्त रहे, आपके से एक भी अफसर नहीं होगा हिंदुस्तान के किसी कोने में, 20 साल का मेरा शासन व्यवस्था में जीवन होने के बाद भी एक बार भी किसी को एक टेलीफोन लेकर के मेरे काम चिंतित नहीं किया जी, ये मेरी जिंदगी की विशेषता है। और इसलिए है क्योंकि देश के सिवा जीवन में कोई सपना नहीं है, 125 करोड़ देशवासियों की जिंदगी को बदलने के सिवा कोई इरादा नहीं है। जो व्यवस्था में जहां भी काम करने का मौका मिला है, सिर्फ और सिर्फ इसी एक भाव के लिए समर्पित जीवन जीने का प्रयास रहा है। और इसलिए मैं कहता हूं दोस्तों, मेरे जीवन में आप असामान्य लोग, सामर्थ्य से भरे हुए लोग, अनुभव की विरासत लेकर के आए हुए लोग हैं। आपकी शक्ति, आपका सामर्थ्य, आपका सपना, उसे मैं अपना बनाना चाहता हूं, ताकि 125 करोड़ देशवासियों के सपने साकार हम अपनी आंखों के सामने देख सकें। इसी एक भाव के साथ आज आपका ये सिविल सर्विस डे सांस अर्थ में देश के सामान्य मानवी को समर्पित हो, उनके सपनों को समर्पित हो, इसी संकल्प को लेकर के चले 2022 भारत के आशा आकांक्षाओं को नई ऊंचाइयों पर ले जाने वाला बने, इसी एक अपेक्षा के साथ मेरी आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। कोटि कोटि धन्यवाद माननीय, आपकी प्रेरणा के लिए। राइजिंग इंडिया, उभरते भारत का तेज और ओज आपके नेतृत्व से दैदीप्यमान है माननीय। माननीय, हम सभी सिविल सेवक पूरी निष्ठा और समर्पण से देश के हर संकल्प को सिद्धि तक ले जाने को कृत संकल्प हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी, आपने जो हम सबको प्रेरणा दी आपके संबोधन के लिए, आपका हृदय से धन्यवाद। माननीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह का और सभी डिग्निट्रीज, महानुभावों का, मेहमानों का हृदय से धन्यवाद।